नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ एंड ब्यूटी रिव्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिव्य फार्मेसी के द्वारा बनाया गया हरित की चूर्ण बताऊंगा, जो कि पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, हरित की बहुत ही गुणों के साथ में आता है, आपको कई प्रकार के फ़ायदे इस चूर्ण से मिल सकते हैं। दोस्तों, कंप्लीट डिटेल आपको इस प्रोडक्ट के बारे में दूंगा कि कितनी इसकी प्राइस है, किस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आपको यूज़ करना है। कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं हरित की चूर्ण, जो कि दिव्य फार्मेसी के द्वारा बनाया गया है। और अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए कि इसको किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों जीर्ण दस्त जो होता है, मूत्र विकार की प्रॉब्लम हो, आपको गले में खराश हो या पित्त की प्रॉब्लम हो, खास करके पेशाब में जलन हो, दमा, खांसी, इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो, बॉडी में हीट ज़्यादा बढ़ गई हो, मतलब कि बॉडी में अंदरूनी जो पेट में गर्मी बढ़ जाती है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करता है। दोस्तों, हरित की चूर्ण के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि जो खांसी जुकाम हो जाता है, उसमें भी डॉक्टर कई बार इस चूर्ण को प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 33 रुपीज़ में आपको मिलता है 100 ग्राम की बोतल। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो किसी भी पतंजलि आयुर्वेदिक स्टोर पे आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यूज़ करने की बात अगर मैं कहूँगा आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है, तो 2 से 5 ग्राम इसको डेली आप लुकवॉर्म वाटर के साथ में ले सकते हैं। और ये अतिसार जैसी जो प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन से रिलेटेड जो दूसरी प्रॉब्लम होती है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक सजेशन आपको रहेगा, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।